यूपी में कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी। आज सुबह 7 बजे से शाम 9 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें और बाजार। सोमवार से मॉल खोलने की अनुमति। यूपी में किसी भी जिले में 500 से ऊपर कोरोना केस बढ़े तो लगेगा कोरोना कर्फ्यू। यूपी में साप्ताहिक बंदी रहेगी जारी। शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों को ही अनुमति। यूपी में अभी भी नहीं खुले स्विमिंग पूल, जिम और सिनेमा हॉल। अगले आदेश तक करना होगा इंतजार। यूपी में रेस्टोरेंट होटल भी 50% क्षमता के साथ सुबह 7 बजे से 9 बजे तक ही खुलने की अनुमति। यूपी के मुरादाबाद में रेलवे स्टेशन पर जुटी ईंट भट्टा के मजदूरों की जबरदस्त भीड़, घर वापसी के लिए परेशान। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। एमएलसी के शर्मा को बनाया प्रदेश उपाध्यक्ष। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले जतिन प्रसाद, बोले क्षेत्रीय पार्टियां नहीं कर सकती देश का विकास। ब्राह्मणों के सवाल पर बोले बीजेपी नेता जतिन प्रसाद, सभी को साथ लेकर चलेंगे, जैसे परेशानी होगी साथ लाएंगे। यूपी में मिशन 2022 के मद्देनजर सियासी गठबंधन की कोशिशें तेज। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह से की मुलाकात। इटावा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चौकी ताल, कहा 2022 में यूपी की जनता बीजेपी को हटाने को तैयार, चाहे कोई भी चेहरा लाए बीजेपी। अखिलेश यादव ने कहा अपना संकल्प पत्र पढ़े बीजेपी, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अब तक क्या किया। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी उठाई उंगली, कहा जिस प्रदेश के प्रधानमंत्री और सीएम दोनों हो वहां कारोबारियों के लिए कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है बताए सरकार। अखिलेश यादव ने पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों का भी मुद्दा उठाया, सरकार को महंगाई कंट्रोल करने में बताया नाकाम। समाजवादी पार्टी ने यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया, कहा प्रदेश में बीजेपी नहीं हर जिले के डीएम और एसपी लड़ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सीरीज के फाइनल मुकाबले का आज तीसरा दिन। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के दूसरे दिन टीम इंडिया ने 3 विकेट खोकर बनाए 146 रन। क्रीज पर डटे हैं कप्तान विराट कोहली, अर्धशतक के साथ करीब 1 चौके की मदद से अब तक बनाए 46 रन। अजिंक्य रहाणे निभा रहे कप्तान विराट का साथ, 29 रन बनाकर नाबाद। ओपनर रोहित शर्मा ने 34 और शुभमन गिल ने 28 रन बनाकर हुए आउट। चेतेश्वर पुजारा सिर्फ 8 रन बनाकर लौटे पेविलियन। न्यूजीलैंड की गेंदबाज बोल्ट जेमिसन और रनिल ने टीम इंडिया के 1-1 विकेट छटके। उत्तराखंड में गंगा हुई विकराल। ऋषिकेश में खतरे के निशान पर बह रही है गंगा नदी। परमार्थ आश्रम में शिव मूर्ति के करीब पहुंचा पानी। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा का कहर, दोनों के संगम से विकराल हुई लहरें। बागेश्वर में 3 दिनों से मूसलाधार बारिश, लैंडस्लाइड की वजह से 25 सड़कों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। चंपावत में शारदा नदी ओवरफ्लो, भारी बारिश के बाद हालात बिगड़े। चमोली में 3 दिन की बारिश बनी आफत। गोपेश्वर में भी आवासीय भवनों पर खतरा। पहाड़ों पर बारिश के चलते हरिद्वार में गंगा उफान पर खतरे के निशान से ऊपर। पिथौरागढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, उफान पर नदियां, गांव में मंडराया खतरा। उत्तराखंड के श्रीनगर से आई सैलाब की दहला देने वाली तस्वीर, कई मंदिरों की चोटियों के ऊपर से बह रही अलकनंदा नदी। टिहरी गढ़वाल में भूस्खलन का संकट, नेशनल हाईवे नंबर 58 पर रास्ता बंद। उत्तरकाशी में फिसलकर खाई में गिरी गाय, एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। छपरा में रातों रात बढ़ा गंडक नदी का जलस्तर, नाव पर हुई दुल्हन की विदाई। गोपालगंज के माजागढ़ प्रखंड में गाड़ी छोड़कर दूल्हे को नाव पर होना पड़ा सवार, बाढ़ की वजह से बारात को ही परेशानी। बिहार के मुजफ्फरपुर में उफान पर नदियां, 12 से ज्यादा पंचायतों में सैलाब का संकट। गुजरात के द्वारका में भी भारी बारिश, रहायशी इलाके में जलभराव का संकट। मुरादाबाद में मुसीबत की बरसात, शहर की सड़कों पर अलग अलग इलाकों में जलभराव। धनबाद में झिलिया नदी हुई विकराल, घरों में घुसा पानी। मॉनसून की पहली दस्तक के साथ ही झारखंड के रामगढ़ जिला पानी पानी। राजपथ स्थित दामोदर और भैरवी नदी उफान पर। दुर्गापुर में पुल की ऊपरी सतह को छूते बहता नजर आया दरिया, भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां। पश्चिम मिदनापुर में 10 वार्डों में घुसा बाढ़ का पानी, सड़क पर दौड़ने लगी नाव। बलरामपुर में पिछले 5 दिन से लगातार बारिश, राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचा।
उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस को भी घेरा, नाना पटोले के बयान पर कहा कुछ लोग चुनाव में जाना चाहते हैं अकेले, मैं कहता हूं कि मैं भी जा सकता हूं अकेले। उद्धव ने अपने कार्यकर्ताओं की थपथपाई की, शिवसेना भवन के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई को बताया जायज। केंद्र पर भी बरसे उद्धव ठाकरे, कहा जब भी क्षेत्रीय अस्मिता की को खतरा होता है संघीय ढांचे को लगेगा झटका। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने की मुलाकात, 3 दिन के अंदर 2 मुलाकातें। शारदा चिटफंड घोटाले से जुड़े मामले में देवजानी मुखर्जी को राहत, कोलकाता हाईकोर्ट ने दी जमानत। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बड़ा बयान बंगाल विधानसभा में, जहां वाम था वहां राम है, टीएमसी की जगह बीजेपी है। पूर्णिया में 4 जिला परिषद सदस्य टीएमसी में शामिल, इनमें 2 सदस्य बीजेपी और 2 कांग्रेस के। जम्मू कश्मीर में चुनावी कयासबाजी को मिली हवा, 24 जून को जम्मू कश्मीर के सभी सियासी दलों के साथ प्रधानमंत्री का संवाद। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक, तैयार किया कश्मीर के लिए विकास का रोडमैप। आज चिराग की बैठक से पहले पशुपति पारस ने भंग की एलजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी, नई कमेटी का किया गठन। मंगलवार को सोनिया गांधी से मिलेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह, अगले हफ्ते नवजोत सिंह सिद्धू भी आएंगे दिल्ली। कैप्टन अमरिंदर सिंह पर आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान का हमला, कहा पिछले 4.5 साल में सिर्फ 3 लोगों को मिली नौकरी और तीनों कांग्रेस के नेताओं के बेटे। राजस्थान सरकार ने 10,000 से ज्यादा निकाली नौकरियां, कंप्यूटर ग्रेजुएट की तुरंत होगी भर्ती। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पर हमले के खिलाफ केंद्र सख्त, गृह सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखी चिट्ठी। पुडुचेरी में बीजेपी एमएलए के समर्थकों ने पार्टी दफ्तर में की तोड़फोड़, जॉन कुमार खामराज को मंत्री नहीं बनाने से खफा। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 135 नए मामले, संक्रमण दर 16 फरवरी के बाद सबसे कम। देश में कोरोना ग्राफ में गिरावट जारी, 1 दिन में 60,700 नए मामले, 1647 संक्रमित मरीजों की मौत। उत्तराखंड में कोरोना के 220 नए मामले सामने आए, 5 लोगों की जान गई। हरिद्वार में 20 और 21 जून को होने वाला गंगा स्नान श्रद्धालुओं के लिए रद्द, कोरोना की वजह से प्रशासन ने लिया फैसला। त्रिपुरा में 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द, रहा हालात सामान्य होने पर परीक्षा देने का विकल्प। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच बेपरवाह हो रहे लोग, दिल्ली की ओखला सब्जी मंडी में नजर आई भीड़। तेलंगाना में पूरी तरह से हटाया गया लॉकडाउन, राज्य सरकार ने लिया फैसला। ओडिशा के नयागढ़ में 100 साल की बुजुर्ग महिला ने कोरोना को मात दी, स्वस्थ होकर अस्पताल से घर लौटी। डोडा में वीकेंड लॉकडाउन जारी, सख्ती से हो रहा पालन। अलीगढ़ में अस्थि कलश लेने नहीं आ रहे शमशान में मृतकों के परिजन, अब भी शमशान में 90 से 100 लोगों की रखे अस्थि कलश। दिल्ली के प्रीति विहार में एसजीएम ने सील किया स्कोन किंग कैफे, कोविड नियमों की अनदेखी के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुजफ्फरपुर में सैलाब प्रभावित इलाके में राहत और बचाव का काम जारी, मिशन में जुटी एसडीआरएफ की टीम। और दुनिया मनाएगी योग दिवस, हरिद्वार में योग दीक्षा देते नजर आए योग गुरु रामदेव। रणथंभौर नेशनल पार्क में बढ़ी बाघों की संख्या, बाघिन T111 के साथ नजर आए 4 शावक। मुजफ्फरपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद, देर रात एक जौहरी की गोली मारकर हत्या, लूट का विरोध करने पर मारी गोली। मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दीप सिद्धू समेत दूसरे आरोपियों को जारी किया समन, 29 जून को होगी पेशी। 15 अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस का मॉक ड्रिल, पुराने पुलिस हेडक्वार्टर में जवानों ने हालात से निपटने की तैयारी की। बारामूला की उरी में 3 आतंकी गिरफ्तार, असला बरामद। गाजियाबाद पिटाई कांड में उमेद पहलवान, 4 दिन बाद दिल्ली से गिरफ्तार, माहौल बिगाड़ने का आरोप। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षकों का मौन व्रत, अपनी मांग को लेकर चुपचाप कैंपस में बैठे। बरेली में पुलिस पर अपराधियों का हमला, दरोगा सिपाही के साथ की मारपीट, वर्दी फाड़ी। नोएडा पुलिस ने ऑनलाइन कॉल गर्ल सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया, 2 लोग गिरफ्तार। नोएडा में 4 क्रिमिनल गिरफ्तार, 1 शख्स की पिटाई का मामला। मुजफ्फरपुर में 3 मोबाइल लुटेरे गिरफ्तार, पुलिस ने तमंचा कारतूस किए बरामद। बिजनौर में चाचा भतीजे की हत्या में शामिल 50,000 की इनामी महिला गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी के पति को भी पकड़ा। मोतिहारी में महिला समेत 3 की मिली संदिग्ध लाश, पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाई। बिहार के मधेपुरा में ट्रक में विदेशी शराब जब्त, ट्रक चालक गिरफ्तार। जालौन में 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष, चुनावी रंजिश में जमकर चले लाठी डंडे, एक बुजुर्ग महिला सहित 5 की हालत गंभीर। मुरादाबाद की द्वार
ठाकुर द्वारा थाने में जीजा की जगह ड्यूटी कर रहा साला गिरफ्तार। डायल 112 में पीआरबी पर थी तैनाती। अमेठी में 2 बीघा जमीन के लिए बड़े भाई ने ली छोटे भाई की जान, तलवार से काटकर हत्या की। छत्तीसगढ़ के महासमुंद के तुमगांव थाना पुलिस का घूस लेते वीडियो वायरल, 2 पुलिस वाले सस्पेंड, लाइन हाजिर। दिल्ली में सफदरजंग मदरसे में पार्क में शव मिलने से सनसनी, पेड़ पर फंदे से लटकी मिली लाश। कानपुर में 3 सिपाहियों ने अश्लील सवाल करते हुए लड़की का बनाया वीडियो हुआ वायरल, दोस्त के साथ प्लॉट देखने गई लड़की से मांगे थे 5,000 रुपए। संगरूर में पुलिस लाइन के बाहर महिला ने तेल छिड़क कर की आत्महत्या की कोशिश, बेटे की मौत के मामले में पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। चित्रकूट में नाबालिग लड़की ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, प्रेमी के साथ पकड़े जाने पर मां ने लगाई थी फटकार। आजमगढ़ में जमीन विवाद में हत्या, भाई और भतीजे ने गला दबा कर ली जान। अमरावती में दंपति के साथ मारपीट का वीडियो वायरल, पूर्व उप सरपंच के खिलाफ शिकायत दर्ज। मध्य प्रदेश के श्योपुर में रास्ता भटकी महिला के साथ अवानियत, एक दिन में महिला से 2 बार गैंगरेप। राजस्थान के झुंझुनू में हथियार के साथ कुख्यात बदमाश गिरफ्तार, लंबे अरसे से तलाश रही थी पुलिस। जालौर में पुलिस कर्मियों पर गिरफ्तारी का डर दिखाकर 1 लाख की रिश्वत मांगने का आरोप। सवाईमाधोपुर में तेंदुए का हमला, 2 महिलाओं की मौत। सिलचर में 5 किलो से ज्यादा वजन के बच्चे का जन्म, डॉक्टर का दावा, असम में 5 किलो 200 ग्राम वजन के बच्चे का अब तक नहीं हुआ जन्म। ललितपुर में 9 साल के बच्चे का दावा, 100 देशों के राष्ट्रगान याद करने का बनाया रिकॉर्ड। शिमला में वीकेंड पर जुटे हजारों सैलानी, पुलिस ने कोविड प्रोटोकॉल पालन करवाने में छूटे पसीने। हेल्थ चेकअप के लिए अमेरिका गए सुपरस्टार रजनीकांत, कुछ हफ्ते अमेरिका में बिताएंगे। साउथ एम्पटन में